वहीं टोक्यो ओलंपिक के लिए सोनीपत जिले के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें सोनीपत की 4 महिला खिलाड़ी और 2 पुरुष खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये सोनीपत के लिए काफी गर्व की बात है। इस बार सोनीपत के 6 खिलाड़ी ओलंपिक में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा और देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस क्षेत्र में जाने जाते हैं और इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है कि हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण सोनीपत जिले की 4 बेटियां हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी और देश को गोल्ड मेडल लाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी, जहाँ सोनीपत जिले की 4 महिला खिलाड़ियों से काफी बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है। तीनों लड़कियाँ नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला, ये तीनों हमारे स्कूल में पढ़ी हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक। बहुत ही मेहनती और डेडिकेटेड। शर्मिला हिसार से बिलोंग करती है, लेकिन वो हमारे हॉस्टल में ही रही है 6 साल तक, और अभी भी वो कॉलेज के हॉस्टल में रह रही है। और तीनों लड़कियां बहुत ही मेहनती हैं और उनकी कोच प्रीतम सिवाच मैडम, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है लड़कियों के साथ। बहुत अच्छा लगा जब आज इस न्यूज़ को पढ़ा, सुना, उनके बारे में पता चला। लड़कियों ने बताया मुझे कि उनका चयन हो गया इस तरह से ओलंपिक टीम में, तो इससे बड़ी खुशी की बात हो नहीं सकती। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, और छोटे छोटे खिलाड़ियों की यह मेहनत इस बात का गवाह भी है कि इस मैदान से नेहा गोयल, निशा और शर्मिला ने भी अपने शुरुआती दिनों से लेकर ओलंपिक तक का सफर तय करने का मौका मिला है। इसी ग्राउंड से तीनों खिलाड़ी नेहा, निशा और शर्मिला ने अपने लक्ष्य की शुरुआत गुरु प्रीतम के सानिध्य में की थी। देखो, जब प्लेयर इस लेवल पे पहुंच जाता है तो गरीब का नाम तो हम हटा ही देते हैं, वो बहुत अमीर हो जाता है, क्योंकि खेल से अमीर होता है। आज देखना वो सभी उनको पूछ रहे हैं, नेहा, निशा, शर्मिला, तो चलो ठीक है, वो स्थिति ऐसी होती है। और प्लेयर इसमें से निकलता तो मुझे लगता है ज़्यादा फाइट करता है, तो चलो टाइम चेंज हो गया, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। नेहा भी, शर्मिला भी और निशा वारसी भी, तीनों बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, इसी ग्राउंड से खेली हैं। बहुत छोटी छोटी इधर मेरे पास आई थी। निशा और नेहा का घर तो इधर ही सोनीपत के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन शर्मिला हिसार से है, लेकिन मेरे पास बहुत छोटी, वो आ गई थी 8th क्लास में मेरे पास आई थी इधर टीकाराम हॉस्टल में, वो लड़की रहती है और वहीं से आके प्रैक्टिस करती थी, वहीं पे अपना डाइट वाइट जो भी लेती थी। लेकिन उस लड़की की मैं बहुत मानती हूँ, हॉस्टल में जैसी भी डाइट उसको मिलती थी उसने वो खाई और मेहनत की। वहीं प्रीतम सिवाच ने कहा है कि उनके ग्राउंड में खेलने वाली तीनों ही लड़कियां काफी मेहनती और टैलेंटेड रही हैं। बेहद छोटी सी उम्र में तीनों लड़कियां उनके ग्राउंड पर आई थी और लगातार इसी ग्राउंड में रहकर उन्होंने हॉकी की बारीकियां सीखी है। प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, पूरी इंडियन वेमेन हॉकी टीम का अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ी बैलेंस टीम बनी है। कुछ यंग प्लेयर हैं, कुछ मैच्योर सीनियर प्लेयर हैं, और प्रैक्टिस भी उनकी बहुत अच्छी है, और मैं ये मानती हूँ कि मेडल की दावेदार हैं। पहली तीन में तो वो आ सकती हैं अगर थोड़ा समझ के खेलेंगी, और खेलेंगी नो डाउट, मैं उम्मीद करती हूँ मेडल लेके आए। प्रीतम ने बताया कि हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल लूज करने के कारण सिल्वर मेडल के लिए जो खेल नेहा ने खेला है वह काबिले तारीफ था। उनकी स्टूडेंट ने अंतिम गोल किया तो हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल मिला, जो काफी गर्व का क्षण रहा। सुनील जिंदल, टोटल न्यूज, सोनीपत।